हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बिटवी जीजी में आप सभी का वेलकम। तो गाइस, इस करवा चौथ के लिए आप अगर मांग टीका लगाना चाहते हो तो मांग टीका कुछ ऐसा लगाएं जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे हेयर स्टाइल मांग टीका शेयर करने जा रही हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आप अपने हेयर को खुला छोड़ना चाहते हो तो खुले भी छोड़ सकते हो, अगर आप जूड़ा लगाना चाहते हो तो जूड़ा भी बना सकते हो। तो आज कुछ ऐसे हेयर स्टाइल शेयर करूंगी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे एंड आप इस करवा चौथ के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे अगर मांग टीका लगाना चाहती हो गाइस। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा वॉच करें तभी आपको पता चलेगा मैंने किन हेयर स्टाइल को कैसे आपके साथ शेयर किया है जो आपके लिए हेयर स्टाइल के साथ में आप जूड़ा बना सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस तरह से एक बार अपने बालों को लेना है और लेके इस पार्टीशन को निकाल लेना। मैंने इधर पार्टीशन को निकालने के बाद तो इस तरह से हमें यहाँ पे साइड की पार्टीशन करके फिर हमें सामने की पार्टीशन थोड़ा सा निकाल लेना है इस तरह से, और अपने बालों को हाथ में पकड़ लेना है। जैसे कि इधर देख सकते हैं, मैंने इनको ऐसे घुमाकर एक तरफ साइड में रख कर दिया है। उसके बाद मांग टीका लेंगे और मांग टीका को बोविन जो पिन आती है उससे इसको पिनअप कर देंगे, जैसे कि मांग टीका हमारा एक जगह पर रुका रहेगा। और गाइस, इसके लिए हम एक जगह पर रोकने लिए एक तरीके से और कर सकते हैं, डबल पेस्ट वाला टेप आता है उसको लगा सकते हो, उसमें अपने मांग टीका को पेस्ट कर दोगे तो आराम से एक जगह पे टिका रहेगा। इसके बाद मैंने जो बाल लिए उनको थोड़ा सा फोल्ड कर करके मैं पीछे को ले गई इस तरह से, और सारे बालों को इसी तरह से मैं फोल्ड कर करके पीछे ले जाऊंगी। देखिए, आप जो आपने पहले लिया उसी में सारे बालों को ले लेना है आपको, और थोड़ा इस तरह से ट्विस्ट कर दे जाएंगे आपस में, और ये इसको आपको लास्ट पीछे तक करना है। ऐसे पीछे तक करते करते हुए फिर अपने दूसरी साइड आ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक साइड की चोटी जैसे बन जाती है ना, उस तरह की आपका ये हेयर स्टाइल रहेगा, जो चोटी हेयर स्टाइल, और जो आपकी फुल चोटी है ना वो एकदम खुली रहेगी। बहुत ही अच्छा सा ये हेयर स्टाइल आपका रहेगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस। तो आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे अगर आप कुछ बाल निकालना चाह रहे हो तो इस तरह से निकाल दें और इस तरफ भी। तो आप ये देख सकते हो मांग टीका हेयर स्टाइल हमारा कितना अच्छा लगा, छोटी भी हो गई और मांग टीका हो। फिर इस तरह से आप सारे बालों को खुला छोड़ देना है। आपके बाल अगर बहुत ज्यादा बड़े हैं तो ये हेयर स्टाइल आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना, हमारा पहला हेयर स्टाइल अगर आपको अच्छा लगा है। और सेकेंड हेयर स्टाइल लिए आपको बीच की पार्टीशन करनी है, और बीच की पार्टीशन करके उसमें आपको मांग टीका को लगा लेना है इस तरह से बॉबिन पिन से, और इस तरह से थोड़े से बाल लेने आगे के, और बालों को लेके इस तरह से पीछे ले जाना है उनको। थोड़े थोड़े आपको थोड़े थोड़े से बाल लेने हर बार में, और इनको पीछे के लिए ले जाना है, ज्यादा नहीं लेने, बस थोड़े से ही लेना है हर बार में। और फिर बॉबिन पिन लगा लेनी है। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हम उधर उधर भी ऐसे ही सेम कर लेंगे, और जो हमारे पीछे जो बाल आएंगे उन्हें थोड़ा आगे कर लेंगे, जैसे कि स्टाइलिश लगेंगे। इससे आप खुले बाल रखोगे ना बहुत ही अच्छे से मांग टीका आपका लगेगा और आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा आएगा। इसमें आपको क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इस तरह के बालों के करने के बाद, कोई दिक्कत नहीं होती कि हाँ आपके बाल खुले आपके चेहरे पर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल है, एक बार ट्राई कीजिए इस करवा चौथ के लिए आप। अगर आप खुले बाल रखते हो और इस तरह से मांग टीका लगे तो आप बहुत ज्यादा स्टाइलिश, बहुत ज्यादा सुंदर लगोगे गाइस। तो गाइस, हमारा थर्ड जो मांग टीका हेयर स्टाइल है करवा चौथ के लिए वो कुछ इस तरह से है। बीच की पार्टीशन की, और बीच की पार्टीशन करके हमने पीछे जूड़ा पहले ही बना लिया था। आप भी किसी तरह का जूड़ा का डिजाइनर बनाना चाहते हो, डिजाइन वाले सादा बनाना चाहते हो सादा बना लें, तो हमें पप की तरह से इसे थोड़े से बाल लिए हैं और इसको दूसरी साइड हमने इस तरह से फोल्ड कर लिए। उसी तरह से आपको सेकेंड तरफ भी करना है इस तरह से, उसकी रॉन्ग साइड में आपको ले जाना है और इसे पिनअप से पिनअप कर लेना है। और इस तरह से आपको पीछे के थोड़े से बालों को अपना खींच कर एक अच्छे से करना है, और जो हमारे बाल आए थे ना बोबिन पिन से उनको हमने लेके जूड़ा में लगा लिया है, और थोड़े से बाल आगे निकाल कर अगर आप इसको कर्ली करना चाहते हो कर्ली कर सकते हो, नहीं तो इस तरह से इन्हें ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो गाइस, डैन आप देख सकते हो हमारा हेयर स्टाइल रेडी है, और ये भी हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है मांग टीका के लिए। अगर आप एक बार तैयार करोगे तो लोग बस आपको ही देखते रहेंगे। तो हमारा जो लास्ट हेयर स्टाइल है गाइस, तो हमारा ये लास्ट हेयर स्टाइल है। इस हेयर स्टाइल में आपको कम से कम तीन हेयर स्टाइल बताऊंगी। जैसे कि हमने अपने सीधे हाथ की पार्टीशन की है, और सीधे हाथ की पार्टीशन करके पीछे पहले जूड़ा बना दिया, जो भी छोटे छोटे बाल थे उनको पहले आगे निकाल लिया है, जो भी कटिंग किए वाले होते हैं
उन्हें पहले आप इस तरह से आगे निकाल लें, और आगे निकालने के बाद फिर आप बीच के पार्टीशन के बालों को ऊपर कर लें। तो मैंने इनको ऊपर कर लिया और यहाँ पर मांग टीका लगा लिया। मांग टीका को मैं बॉबिन पिन से बॉबिन पिन लगा लूँगी जिससे ये अच्छे से रुक जाए, क्योंकि ऐसे अच्छे से रुकेगा नहीं। और इसे बॉबिन पिन लगा के मैं इसको बालों को ऊपर ला दूँगी इसके ऊपर, जो इस तरह से लाकर आप देख सकते हो। फिर हम सारे बालों को अंदर कर लेंगे कान के पीछे, और कान के पीछे करने के बाद आप देखेंगे जो हेयर स्टाइल है हमारा रेडी है। तो ये हेयर स्टाइल आप देख सकते हैं, अपने मांग टीका को सीधा करके आप देखेंगे तो ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा हेयर स्टाइल्स लगेगा आपके मांग टीका में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। एक हमारा ये हेयर स्टाइल इसमें रहा, जैसे कि आप देख सकते हो ये सामने के जो बाल हैं इन्हें आप कर्ली भी कर सकते हो, और कर्ली करना चाहते हो और नहीं तो आप अपने फिंगर से ऐसे फोल्ड करके ऐसे छोड़ सकते हो। और लास्ट इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इन बालों को ऐसे आगे भी छोड़ सकते हो, ये भी हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है इस तरह से। और नेक्स्ट इसमें आप क्या कर सकते हो, इस तरह से थोड़े से बाल लेके इनमें पिनअप कर सकते हो, बॉबिन पिन से कर सकते हो, या फिर आप पे कोई डिजाइनर पिन है उसको लगाएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत। तो गाइस ये रहे हमारे आज के हेयर स्टाइल, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी अच्छे हो नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।